क्राउन ईथर्स क्या होते हैं? क्राउन ईथर्स मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर्स होते हैं। मैक्रो होता है जो लार्ज ग्रुप होते हैं, पॉली मतलब जब नंबर्स ऑफ ईथर्स लगे हों, ठीक है। मोस्टली मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर्स आर साइक्लिक ईथर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ग्रुप क्या होता है? इसमें लगा होता है, मतलब जो ग्रुप में CH2 और सिर्फ ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो ये उसकी क्राउन ईथर हम उसको बोलते हैं। इट मीन्स 12 इज अ कार्बन, ठीक है, एंड 4 इज अ ऑक्सीजन। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं? 12 है, एंड जो 4 हमको ब्रैकेट में शो किया गया वो ऑक्सीजन है। इट हैव क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? क्राउन, क्राउन जैसे वो महारानी पहनती वैसे होते हैं। सो हम इसको क्या बोलते हैं? 12 क्राउन 4 एंड 15 क्राउन 5, ऐसे 18 क्राउन 6 हो जाता है। द टर्म क्राउन ईथर नाउ इंक्लूड, अब इसमें मैक्रोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन भी आ सकता है और ऐसे एटम भी, एज वेल मतलब हेट्रो एटम भी आ सकते हैं। वहाँ पे था इथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें क्या था, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा था। अब यहाँ पे हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम के होने के बावजूद ये दोनों एटम्स क्या हैं? दोनों लार्ज साइज में लार्जर है, जिसकी वजह से हम इसको मैक्रोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया एस आ गया और NH आ गया, दोनों बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए। अब क्राउन ईथर्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती है कम्प्लेक्स बनाने की। ये कम्प्लेक्स बनाएगा पॉजिटिव आयन के साथ। द बॉन्डिंग इन दिस कम्प्लेक्स फॉर्मिंग आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। इनकी कैसी अट्रैक्शन होती है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन होती है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सामने वाले का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आने के कारण आयनिक करैक्टर आ गया, आयनिक करैक्टर होने के कारण इनकी जो अट्रैक्शन है वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाती है। हेट्रो एटम लगेंगे कौन कौन से? सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, रुबिडियम, और जो इसमें आयन्स आएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे इन द सेंटर ऑफ द कैविटी। कैविटी क्या होता है? खालीपन। उसमें सेंटर में आके जो भी आयन लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पड़ा होगा। ईच ईथर बाइंड डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट आयन। हर ईथर ने अलग तरीके से आयन्स को पकड़ना है। ये डिपेंड करता है कि कैविटी की कितना साइज है। 12 क्राउन जो है वो बाइंड करेगा लिथियम से, पोटाशियम से नहीं कर सकता। 18 पोटाशियम से कर सकता है क्योंकि वो बड़ा हो जा, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी वो होल है जो वो बड़ा होता जा रहा है और उस आयन को रखने की उसकी कैपेसिटी बड़ी हो जाती है। 5 क्राउन सोडियम को रख सकता है। डाई बेंजो 18 क्राउन 6 ये रुबिडियम को बाइंड कर सकता है। ऑक्सीजन ऑफ क्राउन ईथर कैरी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ईथर्स के ऊपर ऑक्सीजन होता है ना उसके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे अनशेयर्ड कैन सॉल्वेट कटायंस, वो कटायंस को सॉल्वेट कर सकते हैं। द रिंग ऑफ क्राउन ईथर कैन एग्जिस्ट इन मच द सेम कंफर्मेशन एज नॉन एरोमेटिक। जैसे नॉन एरोमेटिक होते हैं ना वैसे इनका भी कन्फर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर्टीज होती है इनकी। जो रिंग होती है अब क्राउन ईथर्स की वो ऐसी होती है, रिंकल होती है, सॉफ्ट नहीं होती। जब हम उसको देखते हैं उसमें क्या होती है? रिंकल होती है। इसको पकड़ भी बोलते हैं। लेट इज एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ 18 क्राउन 6 का। हम अगर स्ट्रक्चर देखें वो कैसा है, डोनट शेप है, उसके सेंटर मिडल में क्या है, होल है। 12 CH2 लगे हैं जो क्या है, फेस कर रहे हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ, एंड ऑक्सीजन जो है वो इनर लगा हुआ है। देर इज दस लिपोफिलिक इंटीरियर, जो लिपोफिलिक ग्रुप है वो अंदर वाली साइड पे, लाइपोफोबिक जो है वो बाहर वाली साइड पे है। लिपोफिलिक होता है जो लिपिड लविंग होता है, लिपोफोबिक होता है जो लिपिड हेटर होता है। और इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसमें जब के पोटाशियम आयन आके लग जाता है, बाइंड बाय अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बाय आयन डाइपोल बॉन्ड, हमने बोला था आयन डाइपोल बॉन्ड बनता है इसमें बिकॉज अ क्लोज फिट। अब क्लोज फिट होगा आयन डाइपोल बॉन्ड से इन द रिंग। क्राउन ईथर डज नॉट एक्ट एज सॉल्वेंट बट द होल्डेशन ऑफ के पोटाशियम सेम एज, पर उसने जो नॉर्मली ईथर है ना उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट जैसी नहीं होती, बट जब उसने पोटाशियम आयन उसके पास आया था तो उसने उसको जैसे होल्ड किया वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्वेंट ही शो कर सकता है। तो उस प्रॉपर्टी से हमको पता चल गया कि ईथर भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं।
टुगेदर पोटाशियम एंड क्राउन ईथर मेक अप अ न्यू कैटाइन। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक न्यू कैटाइन बनता है जिसमें लिपोफोबिक ग्रुप है जो वो एंड वो बाहर की तरफ होता है एंड पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं उसके अंदर बरियड होते हैं, मतलब दबे होते हैं। होल इन अ क्राउन ईथर कैन बी लार्जर देन द कैटाइन। जो होल होता है क्राउन ईथर का वो क्या होता है बड़ा होता है कैटाइन से, पॉजिटिव चार्ज से, एंड स्टिल बाइंड एन ए पॉजिटिव स्मॉलर देन द कैटाइन। और छोटे ही ग्रुप को वो आयन को अपने अंदर बाइंड कर सकता है अगर बड़े को नहीं कर सकता बड़ा होने के बावजूद भी। इफ़ द होल इज स्मॉलर देन द कैटाइन, अगर वो होल स्मॉलर है कैटाइन से तो सिंपली सीटेड इन द कैविटी, वो सिंपली वहाँ पे आके क्या है बैठ जाएगा, उसमें फिट नहीं होगा, ठीक है। और वो क्या रिलेशनशिप बनाए लेंगे, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। क्राउन ईथर आर ऑल्सो मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्राउन ईथर है उसको बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन जाते। यूजेस की बात करें तो क्राउन ईथर को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या करवाने में, हाइड्रोलिसिस करवाने में, एसिटाइल फोस्फेट की एंड सिंथेसिस करवाने के लिए फोस्फेट, और कैसे यूज़ करते हैं, यूज टू कॉम्प्लेक्स कटाइन अमाइंस एंड फिनोल न्यूट्रल मोलिकुल हैव ऑल्सो बिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे ऐसे मोलिकुल को हम कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसमें भी क्राउन ईथर को यूज़ कर सकते हैं।